हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ऑसम से क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। और गाइस, आज हम लोग वापस हाजिर हो चुके हैं एक रोड टू टाउन हॉल 14 मैक्स एपिसोड में। सो गाइस, आज के एपिसोड में बस एक ही बिल्डर फ्री है। मेरे को पता है, थोड़ा निराश होता हूँ मैं जब भी एक बिल्डर फ्री होता है। वैसे दूसरा बिल्डर काफ़ी जल्दी खाली हो जाएगा एंड हमारे जो क्लैन गेम के रिवॉर्ड्स है वो भी आ चुके हैं। कुछ चीज़ें जो है मैं कलेक्ट नहीं कर सकता, क्या क्या लूँ ये भी एक पहेली बनी रही है मेरे लिए अभी तक। तो फिगर आउट करेंगे आज के वीडियो में कि कौन से चीज़ें हम यहाँ पर उठाएंगे आज के लिए एंड मज़ा काफ़ी आने वाला है। अटैक्स भी करेंगे कुछ लेजेंड लीग्स के। फिलहाल मैं ब्लिजर्ड लालो कर रहा हूँ। मैं हर दिन कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, मतलब अलग अलग आर्मीज़। कभी येटी स्मैश कर रहा हूँ, कभी ब्लिजर्ड लालो कर रहा हूँ, कभी ड्रैग बैट कर रहा हूँ। ड्रैग बैट तो नहीं, एक्चुअली ड्रैगन्स, मास ड्रैगन्स कर रहा हूँ। सो कुछ परमानेंट नहीं है मेरे साथ लेजेंड लीग्स पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फटाफट कुछ वॉल अपग्रेड्स करने वाले हैं, बट गाइस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले एंड उसी के साथ वीडियो को लाइक किया करो गाइस, मज़ा आता है। और एक चुम्मेश्वरी सपोर्ट जो मैं आपसे हमेशा मांगता हूँ वो है क्रिएटर कोड अड्डा। अगर आप इन गेम कुछ भी परचेस करते हो, अभी तो मेरे को पता है सीज़न आने वाला है। अब नए सीज़न में क्या आएगा नया वो तो हम बहुत जल्द देखेंगे, बट आप लोगों के लिए इस सीज़न एक सरप्राइज़ रहेगा। वो जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए मैंने कुछ प्लानिंग कर रखी है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले वॉल्स, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो एक वॉल अपग्रेड करूंगा मैं यहाँ पे एलिक्सर से, एक वॉल अपग्रेड करूंगा मैं यहाँ पे गोल्ड से। और एक चीज़ आपको और बता दूं, आई थिंक कि कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मेरे क्लैनमेट से मेरा रेस चल रहा है कि कौन पहले टाउन हॉल 14 मैक्स करेगा। तो अभी तो रेस में ऐसा कुछ कह नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि वो बहुत आगे चल रहा है या फिर मैं बहुत आगे चल रहा हूँ। मतलब कुछ चीज़ों में आगे मैं हूँ, वो वॉल्स में आगे है, मैं डिफेंसेस में आगे हूँ, तो ऐसे हम नेक टू नेक टक्कर दे रहे हैं। तो देखते हैं कौन, अभी तो टाइम है, अभी फॉर श्योर बहुत टाइम लगने वाला है। अब ये जो विजिट टेस्ला टार है, इसको चाहिए 144। अगर मैं यहाँ पे एक लगा दूँ तो दिक्कत में आ जाऊँगा क्या मैं? एक मिनट, एक बार और चेक कर लेता हूँ। मेरे पास तो कोई और रून वगैरह शायद नहीं है ना, एक एलिक्सिर रून है बस, बट मैं उसको सेव कर रहा हूँ अभी। मतलब हो सकता है कि मेरे को इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े उसकी। यहाँ पे क्या रिवॉर्ड्स हम कलेक्ट कर सकते हैं? जेम्स लूँगा। एक काम करते हैं, यहाँ के रिवॉर्ड्स उठाते हैं पहले, ठीक है। फाइन। सो सबसे पहले टीयर में फॉर श्योर जेम्स लूँगा, क्योंकि क्लॉक टावर, मैं इतना बिल्डर बेस खेलता नहीं हूँ, क्लॉक टावर पोशन इतना वर्थ इट नहीं लगता मुझे। यहाँ पे ट्रेनिंग पोशन जो कि लेजेंड लीग्स में मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मैं क्या लूँ, 40 जेम्स आई थिंक वर्थ इट है। उसके बाद हम क्या लें, यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या मैं सुपर पोशन के साथ जाऊँ या फिर मैं बिल्डर पोशन के साथ जाऊँ? आई थिंक कि बिल्डर पोशन, यार ये काफ़ी ट्रिकी है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं सुपर पोशन के साथ जाता हूँ तो 25,000 डार्क सेव होगा, तो 25,000 डार्क मेरे लिए इतना मैटर आई डोंट थिंक करता है। बिल्डर पोशन ज़्यादा वैल्यू रहेगी मेरे लिए, तो बिल्डर पोशन यहाँ पे उठा लेते हैं। और यहाँ पे क्या उठाऊँ मैं, रून ऑफ एलिक्सिर उठाऊँ बैर, मतलब बिल्डर रून का यही उठाता हूँ मैं। एंड यहाँ पे उठा लेता हूँ मैं दोनों ये, और उसके बाद जेम्स, सही है ना? यही सही है। मैं बुक ऑफ स्पेल नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बुक ऑफ स्पेल पड़ा हुआ है। एक बुक ऑफ स्पेल मैंने शायद जेम से सेल किया, जो मेरे को यहाँ पे फ्री पास बोल रहा हूँ मैं, गोल्ड पास में मिल रहा था, तो अभी मेरे को फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक ऑलरेडी बुक ऑफ स्पेल है मेरे पास, और मेरे कोई भी स्पेल मेरा बचा नहीं है, सारे मैक्स हो चुके हैं, तो उसका कोई वर्थ इट अभी तो फिलहाल के लिए नहीं है। अभी सिर्फ वैल्करी और आइस गोलम्स अपग्रेड करने बाकी है। मैं बहुत जल्दी आइस गोलम्स को अपग्रेड करने का प्लान कर रहा हूँ, वो भी हो जाएगा जल्द। अभी तो फिलहाल ये आर्मी अपनी है। और नेक्स्ट अटैक में जाने से पहले, जैसे मैं बात कर ही रहा था गाइस, कि एक और वॉल क्या मैं एलिक्सिर से गोल्ड से कर सकता हूँ, एक काम करते हैं, दो अटैक्स करेंगे ना, दो अटैक्स में आप मान के चलो मैं अगर 400,000 का लेके आऊँ तो 800,000, अगर मैं 800,000 लाता हूँ तो भी नहीं हो पाएगा, एक और वॉल फंस जाऊँगा मैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए अभी वॉल को स्किप करते हैं, फटाफट जाके एक अटैक करते हैं, ठीक है। रिलैक्स, ओके, नाइस। सो बेस तो काफ़ी अच्छा मिला है। यहाँ पे अगर मैं ब्लिम को लैंड कर रहा हूँ, फाइन। ओके, ये बेस मैं पहले भी अटैक कर चुका हूँ बहुत बार वॉर में। सो हैवी गो गाइज, आई थिंक मुझे यहाँ पे अपना हाउंड को सेव कर लेना चाहिए। लेट्स गो, लून ब्लिम फ्रीज इनविजिबिलिटी एंड ब्लिम को पॉपअप रेज परफेक्ट सेकंड नाइस, एक और परफेक्ट, सही चल रहे हैं। ओके टाउन हॉल, भाई टाउन हॉल निकालो, वैसे टाउन हॉल ऑलमोस्ट निकलने वाला है, एक और। ओके नाइस वैल्यू,
ओके एक शॉट और दे देना, ओ टाउन हॉल के पॉइजन की वजह से एक शॉट और नहीं हो पाया, एक एक्स्ट्रा शॉट हो जाता तो मजा आ जाता। ओके नाउ लेट्स गो, आइस हेडंटर किंग क्वीन, मेरे को लग रही था कि ऐसा होगा। ओके कोई नहीं, सबसेट है परफेक्ट। एक और हेडंटर, हेडंटर रेंज में आ गया बट कोई नहीं, काम कर दिया हेडंटर ने अपना। ओके वॉल ब्रेक यहाँ पे, ये किंग एबिलिटी, नाइस वी आर गोइंग गुड गाइस, वी आर गोइंग गुड। स्वीपर मिल जाएगा, एक स्वीपर ऑलरेडी मिल चुका है किंग एबिलिटी से। आई थिंक यहाँ पे हम वॉल ब्रेक अगर कर पाएँ, यहाँ पे थोड़े से मैं मिनियंस को ड्रॉप कर देता हूँ, एक लून इसके लिए। चैम्पियन की एबिलिटी अभी भी होल्ड कर रहे हैं हम, चैम्पियन की शील्ड फेंक देंगे। आई थिंक वी कैन डू अ फ्रीज एयर। अरे यार सिंगल, मेरे को लग रहा था कि सिंगल मिल जाएगा बट चलो ठीक है चलेगा। क्वीन भी फंस गई है वहाँ पे बेचारी बट कोई नहीं। हाउंड हाउंड यहाँ पे, ये थोड़े से मिनियंस, मोलून्स, अरे टोनेडो, नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा हाउंड है हमारे पास, ये डिफेंस जाएगा तो मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा। लून लून लून, गोइंग गुड। ओके वार्डन एबिलिटी ऑटो पॉप अप हो गई, कोई नहीं। यहाँ पे एक और हेस्ट, इसको करेंगे यहाँ पे फ्रीज एंड द ला। अरे नहीं भाई, अरे रे 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 रे, लेट कर दिया क्या मैंने, लगता तो नहीं है, आई थिंक ये हो जाएगा। ओहो नहीं, अरे यार नहीं यार, नहीं 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 नहीं, ये विजिट टार, ये विजिट टार, डैम यार नहीं, अरे भाई क्या कर दिया मैंने, फोशियो 3 था यार, क्या घटिया लालो किया मैंने, कम ऑन मैन यार, नहीं सारे लून्स मर गया। मैं पहले अगर फ्रीज करता ईगल को, मैंने हेट दिस। चलो ठीक है कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, शांत करते अपने आप, सब कुछ सही था प्लान अकॉर्डिंग, परफेक्ट ब्लिज़र्ड था परफेक्ट, ये विजिट टार ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, शेट यार कोई नहीं ठीक, अपने आप को शांत करते हैं, हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं। नेक्स्ट अटैक पे फोकस करेंगे और गोल्ड से जैसे मैं बता रहा था टेस्ला को करना है एक 44, मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे 56 अगर चले जाएगा तो नहीं हो पाएगा यार, मुझे करना है ये टेस्ला बट ओके चलो चलो एक अटैक और करते हैं उसके बाद सोचा जाएगा। कुछ है हमारे पास, कुछ है नहीं, तो हमने सब चेक कर लिया, हमने क्लैन गेम के रिवॉर्ड्स उठा लिए हैं, क्लैन गेम्स के रिवॉर्ड से हमने कुछ करने लायक नहीं है। ओ ओके एक चीज़ तो मैं भूल गया गाइज, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, किंग को भी अपग्रेड करना है इस वाले वीडियो में, ठीक है मैं किंग को अपग्रेड करना भूल गया, अभी CWL भी आ रहा है तो चलो किंग को अपग्रेड करेंगे विद यूजिंग द डार्क एलिक्सिर, बुक से फिनिश करेंगे, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। ओके सेकंड लेवल करेंगे हैमर से, सो ये गया हमारा किंग 77, परफेक्ट। पता है मैंने एक ऐसा गंदा चीज़ किया है, मैं बोलने में भी शर्म आ रहा है, मैंने लास्ट मेरे को याद नहीं, मतलब हड़बड़ी में कभी कभी हो जाता है ऐसा, देखना जो याक था जब मेरा याक 3 जा रहा था, ये देखो आप याक 3 जा रहा है, तो मैंने गलती से उसमें एक बुक ऑफ हीरो कर दिया था, वैसे वो बुक मैंने भी सेव कर दिया था किंग के लिए, और अगर मेरा कैलकुलेशन हिसाब से 78 हो जाना था किंग को, क्योंकि एक रून अभी मेरे को मिला है और वो बुक जाना था यहाँ पे इसके ऊपर, बट उस पर मैंने गलती से बुक यूज़ कर लिया। हुआ ये था एक्चुअली, उसको शायद 10-12 मिनट बचे थे अपग्रेड होने को और वहाँ पे कुछ जेम्स थे, शायद थोड़े से जेम्स, 8-10 जेम्स थे, तो मेरे को लगा जेम्स से फिनिश कर देता हूँ फिर नेक्स्ट जो है वो डाल दूंगा पेट, जेम्स की जगह मैंने क्लिक कर दिया बुक और सत्यानाश हो गया मेरा। अब क्या करूँ यार, हड़बड़ी में मैं ऐसे बहुत कुछ कर चुका हूँ, तो हड़बड़ी में टैप वैप हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, बट कोई नहीं गाइस एक और अटैक करते हैं, चलो फटाफट सीसी वगैरह रिक्वेस्ट करते हैं एंड वी विल गो इन 3 मिनट्स। सो वी बैक और चलिए एक और अटैक करते हैं जैसे मैं पहले ही कह रहा था, और काश मुझे वैसा एक और बेस मिल जाए यार, बहुत कम मिलता। ओह ओह फिर से मिल गया भाई, मज़ा आ गया यार। ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके हाउंड, एक पहले ब्लिंप ले लूँ। ओके हाउंड ब्लिंप, भाई इस बार गलती नहीं करना, ठीक है लास्ट टाइम पे गलती कर दी थी, उस बार माफ़ी मिल गई, इस बार माफ़ी नहीं मिलेगी, इस बार गलती नहीं करना है। ब्लिंप को लैंड कराओ, रेज अनदर इनविजिबिलिटी, परफेक्ट। एक और गुड, एक और, अबे स्टोरेजेस तोड़ना बंद कर यार, डिफेंसेस को तोड़, फाइनल। अरे नहीं उधर मत जाओ यारो, ओए हो, ओ हो,
स्कैटर ऑलमोस्ट मिलने वाला था यार, वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत थी मेरे भाई। चलो कोई नहीं, दोस्त ने की यहाँ, दोस्त ने की यहाँ। हाउंड किंग भाई 555 स्केलेटन्स आ रहे हैं। ओके ओके विजर्ड, ओ हेड हंटर सेंड करना भूल गया मेरे भाई। ओके चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। डोमिनियन, अरे ए भाई कितना मारेगा रे। किंग एबिलिटी, चैम्पियन, एक फ्रीज करते हैं यार, बहुत मार रहे हैं, बहुत धुनाई हो रही है बहुत धुनाई हो रही है। चैम्पियन की शील्ड फेंकते हैं। अरे यार ये बैक साइड स्कैटर को मारो जल्दी यार, प्लीज़ कम ऑन क्वीन। अरे ये स्केलेटन्स, ओके फाइनली यार दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। लून 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 हाउंड, अरे वार्डन, एक और लून 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 हेस्ट, ओके एक और हेस्ट, ओके चलो 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 सब लोग मिलके आगे बढ़ो। वो बस में होता है ना, भीड़ हो जाता है सामने की तरफ, लोग जाते नहीं हैं आगे, वैसा सीन हो रहा है यहाँ पे। चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ओके फ्रीज हेस्ट, कम ऑन जल्दी एयर डिफेंस को मारो यार, कम ऑन यार। लून 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 फ्रीज, मिनियंस, आर्चर, दोनों हेड हंटर्स। ओके यहाँ पे बॉम्ब टावर रह गया था, टाइम फेल मत हो जाना यार, प्लीज़ 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 प्लीज़। नहीं 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 16 सेकेंड्स बहुत हो रहे हैं भाई। ओके लून 13 सेकेंड्स नहीं होगा, क्यों यार इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, कम ऑन यार। कोई नहीं ठीक, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना यार। चलो चलो कोई नहीं, थैंक यू, सॉरी 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 गाइस, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, बट कोई नहीं। अभी आज के अपने 6 टैक्स हो गए, 2 टैक्स और बचे हैं, करेंगे बाद में, बट आज के वीडियो के लिए इतना ही। और जाने से पहले टेस्ला अपग्रेड करना है। अभी भी मेरा क्या मैथ्स गड़बड़ा रहा है, 56 ऑब्वियसली गड़बड़ा रहा है। चलो अपग्रेड पे डाल देते हैं टेस्ला को, और अगर मैं वॉल करता तो ऑब्वियसली टेस्ला नहीं कर पाता जैसे कि आप कैलकुलेशन में देख रहे हो, बट कोई बात नहीं गाइस, 17 घंटे में हमारा एक और बिल्डर फ्री हो जाएगा, और जैसे ही वो बिल्डर फ्री हो जाएगा हम कुछ वॉल्स करेंगे, कुछ तो नहीं भाई एक ही वॉल कर पाएंगे, या फिर एलिक्सिर से एक और करेंगे, तो 2 वॉल्स करेंगे। वॉल्स के हमें जल्दी करना है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कितने वॉल्स हमारे बचे रहेंगे। तो ये हम आते हैं रिमूव ऑल में, 22 वॉल्स किए हैं अभी तक हमने, सिर्फ और सिर्फ 22 वॉल्स, 100 वॉल्स होंगे इन टोटल, तो टाइम तो लगेगा बट इतना भी नहीं। चलिए गाइज आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो प्लीज एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलूंगा तब तक नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अच्छे रहें एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद बाय।